Now we are starting chapter number 55 and the chapter number 55 is body quiz. So यहाँ पर हम अपनी body से related terms के बारे में जानेंगे. This muscle is present at the top of your arm. ये muscle आपकी arm के सबसे ऊपर present है. इसे कहते हैं biceps. ये जो होते हैं ना biceps. Okay? This is the opening through which light can enter your eye. ये एक opening है जिससे light हमारी eyes में enter करती है, तो वो है pupil. Okay? It is called pupil. This is the colored part of your eye. ये हमारी eyes का colored part है and it is called iris. क्या कहते हैं इसे? Iris. तो आगे चलते हैं. नंबर फोर पर है, दीज सेल्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू आर बॉडी. ये जो सेल्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं और वो हैं रेड ब्लड सेल्स. ओके, नेक्स्ट है नंबर फाइव पर, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट एंड बैलेंस. हमारे ब्रेन का ये पार्ट हमारे बैलेंस को और हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है. दिस इज कॉल्ड सेरिबेलम. ओके, सेरिबेलम. व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड हेयर. यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं बॉडी के लिए और वो है बोन मैरो. दिस ऑर्गन इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स. इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं. इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस साउंड. ये हमारी मदद करता है आवाज़ निकालने में. हमारी जो आवाज़ निकलती है वो इस ऑर्गन की मदद से निकलती है और ये है लैरिंक्स. लैरिंक्स, ओके. कॉज्ड बाय कोल्ड, फियर और सडन एक्साइटमेंट. कोल्ड से, बुखार से या फिर अचानक हम एक्साइटेड हो जाएं. आर मसल नियर द हेयर रूट ऑन आर बॉडी पुल द मसल टाइट. हमारी जो मसल है नियर द हेयर रूट्स, ये एकदम टाइट हमारी बॉडी को ऐसा लगता है. ऑन आर बॉडीज पुल द मसल टाइट. हमारी बॉडी एकदम टाइट, मसल्स टाइट हो जाती हैं. ये क्या होता है? ये होते हैं गूज बम्प्स. क्या कहते हैं इन्हें? गूज बम्प्स. ऐसा कब होता है? जब हम सडनली एक्साइटेड हो जाएं, या हमें बुखार हो रहा हो या हमें कोल्ड हो रहा हो, तब गूज बम्प्स हमें आते हैं. आगे चलते हैं. नंबर नाइन पर है, दिस इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन आर बॉडी. ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है. ये है हमारा लिवर. ओके, टेन नंबर पर है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है, कॉल्ड द स्टिरप इज प्रेजेंट हेयर. जिसे हम स्टिरप कहते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होती है. कहाँ होती है? ईयर में. ओके, हमारे ईयर में वो प्रेजेंट होती है. दीज आर द लार्जेस्ट टीथ. ये सबसे बड़े टीथ होते हैं दैट डू नॉट अपेयर अनटिल यू आर एन एडल्ट. जो तब तक नहीं दिखते जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते. ये होते हैं विजडम टीथ. इन्हें कहते हैं अक्कल दाढ़. ओके, अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है विजडम टीथ. दिस इज द प्रोटेक्टिव कोटिंग. ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो कि दैट एनक्लोजेस मोस्ट नर्व फाइबर्स. जो नर्व फाइबर को एंक्लोज करती है इसे कहते हैं मेलन शीथ. क्या कहते हैं इसे? मेलन शीथ. तो बच्चों, आपको ये सब लर्न करना है और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.